नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ आशीष चौधरी, जनता का दोस्त और आपका होस्ट। और सबसे पहले मेरे सभी मुस्लिम दर्शकों को, जी हाँ मुस्लिम भाइयों को, बहुत बहुत रमजान ईद मुबारक। जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जानते हैं कि 24 तारीख का यानी कि कल की तारीख तक जो कोविड का जो रिपोर्ट आती है वो तहसीलदार ऑफिस से, वो क्या कहती है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कोविड 19 की जो टोटल चाचनी 24 तारीख तक हुई है वो 372 है, और कल तक के जो रुग्ण ठीक हुए हैं वो है 87। कल के 13 रुग्णों को मिला के, जी हाँ, अभी तक जो विद्यमान रुग्ण है वो है 59। कोविड 19 मृत्यु जो हुई है वो 5 हो चुकी है। आप पिछली वीडियो में भी देख चुके होंगे कि कोविड की 3 थी, फिर 3 से 5 हो गई है। जी हाँ, और अभी तक जो रुग्ण मिले हैं पॉजिटिव, जो कल के 9 रुग्ण थे, कल 9 रुग्ण मिले हैं पॉजिटिव जो हुए, उनको मिला के 151, और जिनका तपासनी निकाल बाकी है वो है 28। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और आपको और जानकारी देने के लिए हम चलते हैं जो कल के नए रुग्ण मिले। जी हाँ, उनमें से उलवे में 4 लोग मिले हैं कल। उलवे के लिए ये थोड़ा सा धक्कादायक बातमी है। जी हाँ, उन्नति अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो सेक्टर 19 में, जी हाँ, वहां पे 27 वर्षीय एक स्त्री, 46 वर्षीय एक स्त्री, 26 वर्षीय एक स्त्री व 24 वर्षीय पुरुष जो है, ये 4 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आए हैं, और ये व्यक्ति कुटुंब के ही एक व्यक्ति से यहाँ इनके पास तक इसका संसर्ग हुआ है, ऐसा निकल के आ रहा है। जी हाँ, पाली देवत सुकापुर में 1, साक्षी पार्क गंगोत्री हाउसिंग सोसाइटी 25 वर्षीय स्त्री कोविड 19 पॉजिटिव आई है, और इस व्यक्ति का भी कुटुंब के एक व्यक्ति से इसके पहले जो पॉजिटिव हुए थे उनसे ही वो इसका संसर्ग हुआ है। अदई में 1, प्रयाग गैलेक्सी में 28 वर्षीय व्यक्ति कोविड 19 पॉजिटिव आया है। ये व्यक्ति एंटॉप हिल मुंबई में पुलिस विभाग में नौकरी करता था, तो पुलिस का आप जानते ही हो, पुलिस विभाग जब जनता की सेवा में लगा है तो पॉजिटिव होना आम बात है। विचुंबे में 1, ओमकार कृष्णा पार्क में 54 वर्षीय व्यक्ति कोविड 19 पॉजिटिव आया है। जी हाँ, इसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कैसे हुआ इसको वो तपासनी चालू है। उसली खुर्द में 1, 50 वर्षीय व्यक्ति जो है पुरुष जो है वो कोविड 19 पॉजिटिव आया है, और ये व्यक्ति BMC मुंबई में नौकरी करता था, तो वहीं से इसको काम का संसर्ग हुआ है। जी हाँ, करंजड़े में 1, चामुंडा हिल सेक्टर 1 में 26 वर्षीय व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आया है। करंजड़े में 1 आया है। जी हाँ, अब आते हैं कि अच्छे हुए रुग्ण, तो आज के 24 तारीख के अच्छे हुए रुग्ण समझ लीजिए 13 है। विचुंबे में 5, ग्रीन वैली हाउसिंग सोसाइटी में 39 वर्षीय, 35 वर्षीय, 12 वर्षीय, 10 वर्षीय, 23 वर्षीय व्यक्ति जो है उप जिला रुग्णालय से डिस्चार्ज लिया है। उलवे में 4, उन्नति अपार्टमेंट के सेक्टर 19 में 27 वर्षीय स्त्री, 46 वर्षीय स्त्री, 26 वर्षीय स्त्री, 24 वर्षीय पुरुष व्यक्ति उप जिला रुग्णालय से डिस्चार्ज मिला है। उलवे में फिर 1, नील सिद्धि जोया सेक्टर 20 में 51 वर्षीय पुरुष को उप जिला रुग्णालय से डिस्चार्ज मिला है। पारी देवत सुकापुर में 2, निम्बेश्वर कुंज ये 41 वर्षीय स्त्री, 20 वर्षीय स्त्री, ऐसे लोगों को जो है वो डिस्चार्ज उप जिला रुग्णालय से मिला है। करंजड़े में 1, पल रेसिडेंसी सेक्टर 2A में 41 वर्षीय पुरुष को MGM हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। तो ये थी आज की खबरें। जी हाँ, साथ ही साथ मैं इसी न्यूज में एक चीज और लेना चाहता हूँ कि लोग जानना चाहते हैं, मुझे कई ईमेल आए हैं, जो ऑथराइज्ड पान और सिगरेट की दुकानें हैं। जी हाँ, नवी मुंबई से भी कुछ ईमेल आए हैं, पनवेल रायगढ़ से भी कुछ ईमेल आए हैं, और उलवे से भी आए हैं। तो वो चाहते हैं कि सरकार उनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, जब सभी चीजें ऑनलाइन चालू हो गई हैं या खुल गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए, जो चौथे लॉकडाउन का मेन मुद्दा है, चौथे चरण का,
तो उनका ये कहना है कि पान और सिगरेट की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी जाए। जी हाँ, तो ये थे आज के समाचार। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।